नॉइज लेवल से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ जाता है लगभग लगभग, और ऑडियो विजुअल अलार्म से, उसका साउंड लेवल से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा अच्छे से। 85 डेसिबल वार्निंग लिमिट है और इसके नीचे लगातार 8 घंटे तक काम करते रहने से कान को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब कि उसका किसी तरह का नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये सेफ जोन रहता है 85 डेसिबल से नीचे का, इसीलिए इसको वार्निंग लिमिट भी बोला जाता है 85 डेसिबल के आसपास को। अब है 90 डेसिबल। 90 डेसिबल ये एक डेंजर लिमिट है। 90 डेसिबल से अधिक साउंड लेवल पे काम करने पे लगातार 8 घंटे व्यक्ति डिफनेस का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो 90 डेसिबल से ऊपर के साउंड लेवल पे किसी भी वर्कर को काम करने नहीं देना चाहिए। हाँ, किसी कारण से अगर कोई इमरजेंसी है तो उसको उस टाइम के लिए काम करने दिया जा सकता है, लेकिन उसको अगले ही दिन आपको आराम देना है। ठीक है, और 115 डेसिबल से ऊपर के नॉइज लेवल का इन्वायरमेंट में किसी भी वर्कर को नहीं जाने देना चाहिए बिना ईयर प्रोटेक्शन के। जब नॉइज लेवल 130 डेसिबल इम्पल्स टाइप का और 120 डेसिबल फास्ट टाइप का या इससे अधिक रहता है, तब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारा फट भी सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि इससे ज़्यादा नॉइज लेवल पे आपको काम नहीं करना है। और नो वर्कर शैल बी अलाउड टू एंटर एन एरिया, मतलब किसी भी वर्कर को वैसे एरिया में नहीं जाने देना चाहिए जहाँ का नॉइज लेवल 140 डेसिबल से अधिक हो। और जो विजुअल अलार्म का जो साउंड लेवल है सराउंडिंग एटमोसफेयर के साउंड लेवल से 5 से 20% अधिक होना चाहिए। जो विजुअल अलार्म का जो साउंड लेवल है 110 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नॉइज लेवल 5 डेसिबल अधिक मेंटेन किया जा रहा है सराउंडिंग नॉइज लेवल से, वहाँ पे जो ए भी होना चाहिए वो सेल्फ एडजस्टिंग बैकअप टाइप का अलार्म होना चाहिए।